नगर पंचायत पागबड़ा में इन दिनों चुनावी चक्रव्यूह तेजी से दौड़ रहा है और हर प्रत्याशी अपनी अपनी प्राथमिकताएं भी जनता को बताने का काम कर रहा है। नगर पंचायत पागबड़ा से अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार हाजी नासिर हुसैन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और लगातार उनके द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है, तो वहीं नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लगातार जनता को अपनी प्राथमिकताएं बताई जा रही है। बीती रात्रि राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले पागबड़ा के मोहल्ला सराई में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उनके समर्थकों द्वारा हाजी नासिर हुसैन की हौसला अफजाई की गई और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने की बात कही गई। मंच के माध्यम से वक्ताओं ने कहा कि नासिर हुसैन वो चेहरा है जिसने हमेशा पागबड़ा की भलाई के लिए काम किए हैं। हाजी नासिर हुसैन का हर कदम पागबड़ा की भलाई के लिए उठा है और पागबड़ा की आवाम के लिए उठा है। सभी के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहने वाले हाजी नासिर हुसैन सच में पागबड़ा के असली रहनुमा हैं और पागबड़ा के मुस्तकबिल के लिए वे काम कर रहे हैं। हाजी नासिर हुसैन का परिवार जनता के लिए समर्पित है और लगातार पागबड़ा की आवाम के लिए वर्षों से काम किया जा रहा है। और हंसी मजाक का माहौल बिल्कुल खत्म कर दे। अगर हम संजीदा नहीं होंगे तो हम ये चुनाव जीत नहीं सकते और जब हम संजीदा होंगे तो इंशाअल्लाह ताला बड़ी से बड़ी जंग हम जीत सकते हैं। तो मैं अपने तमाम नौजवान साथियों से और खास तौर से अपने बच्चों से गुजारिश करता हूं कि बच्चों, ये माहौल हमारे पागबड़े के मुस्तकबिल का माहौल है और आप और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल। इस दौरान युवाओं द्वारा नासिर हुसैन की हौसला अफजाई की गई और फूलमालाओं से उनका स्वागत भी किया गया। नुक्कड़ सभा में जनता को अपनी प्राथमिकताएं गिना रहे नासिर हुसैन द्वारा पत्रकारों से बात की गई और उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए कहा, जनता से, जनता की जो आम समस्या है यहाँ पागबड़े में, सबसे बड़ी समस्या है जाम लग रहा है, पानी का निकास यहाँ पर नहीं है और विकास मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, सड़कें नहीं हैं और जो गड्ढों में इधर जो आसपास के जो एरिया है वहाँ सड़कें ही नहीं है। जब सड़कें नहीं है तो सफाई वफाई का तो मतलब ही नहीं बनता। बरसात आती है तो घुटने घुटने पानी वो पानी में निकल के आते हैं, उसमें जब बरसात आती है तो उसमें कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू आते हैं जो कि काटते हैं। बहुत परेशान है यहाँ की जनता, जो कि चेयरमैन साहब ने बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं दिया। खाली अगर मिट्टी भी डलवा देते तब भी यहाँ पे के लोग खुश हो जाते। अच्छा, जैसे यहाँ जो है जो कॉलोनियों को लेकर जो धान उसके लिए कॉलोनी में तो पूरी सीधी सीधी धांधली हुई है, सबको मालूम है, यहाँ से लेकर ऊपर तक मालूम है, अधिकारी को भी मालूम है। एक एक कॉलोनी में लगभग 50,000-40,000 रुपए एक एक कॉलोनी वाले से लिए गए हैं वापिस, और वो सबको मालूम है, सबको सब दिखाई दे रहा है। उस पर जाँच बिठाई जाएगी इंशाल्लाह, उस पर शिकायत होगी और जाँच बिठाई जाएगी। सारे कॉलोनी वाले से पूछा जाएगा कि कितने कितने पैसे आपके वहाँ से आए, कितने पैसे किस किसने लिए, उस पर इंशाल्लाह जाँच बिठाई जाएगी। जनता से अपील ये करना चाहेंगे, आपने पहले चेयरमैन को देख लिया, वहाँ पे काम के नाम पे खाली धोखेधड़ी मिली है, मार पिटाई मिली है, उन्होंने अपने समाज के लोगों को ही मारा है, औरों के साथ में बदतमीजी भी बहुत करी है। अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, आपका वोट आप ही के लिए मांगा जा रहा है, आपका वोट आप ही के लिए मांगा जा रहा है, जो कि इंशाल्लाह काम भी होगा और किसी के साथ में भेदभाव भी नहीं होगा, ना हिंदू मुस्लिम हो ना जात बिरादरी का मसला हो, बिल्कुल सबका साथ होगा, सबका विकास होगा इंशाल्लाह, असली वाला। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक और युवाओं की टीम मौजूद रही।